क्या है, क्या क्या होगा आज? चूड़ा दही का दिन है, तिलकुट का और लाई का दिन है, तो यही होगा। तो फिर गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम अमृत सागर और आप देख रहे हैं टूर विद अमृत। अभी घर से बाहर आए हैं, बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज मकर संक्रांति है तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज एक खास दिन भी है, जैसे कि आज इंडियन आर्मी डे है, हमारे वीर सपूतों और वीर जवानों का आज दिवस है, जो कि आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और पूरा देश सेलिब्रेट करेगा इंडियन आर्मी डे को। आज मकर संक्रांति है और हमारे घर एक्चुअली मकर संक्रांति हो नहीं रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे बड़े पापा एक्सपायर किए थे, जिसके कारण से हमारे घर मकर संक्रांति होगा नहीं। तो इनविटेशन आया है आंसू के घर से, आंसू के घर जाना है, वहाँ पे मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करेंगे। और अभी मेरे साथ एक दोस्त खड़ा है, मेरे साथ आदित्य, जो वॉलीबॉल खेलने गए थे लोग, उसमें का एक प्लेयर है, आपने देखा भी होगा। और घर पे इसलिए शूट नहीं करते क्योंकि वहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा है ना, बच्चा 2-3 है, तो वहाँ पे हल्ला इतना ज़्यादा करता है कि शूट करने में प्रॉब्लम होता है, इधर उधर चिल्लाने का और रोने का आवाज़ आएगा, तो इसलिए सोचते हैं घर से बाहर। देखिए घर पीछे और यहाँ पे आके बगल में शूट कर रहे हैं। फिर चलते हैं, अभी जा रहे हैं नहाने, और नहा के फिर जाएंगे आंसू के घर। आंसू कॉल करेगा तब, आंसू पहले बोला था लेकिन बोला हम कॉल करेंगे आपको, तो पहले जल्दी से नहा लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं अगले क्या होता है। इसलिए बन रहेगा वीडियो में और आगे के क्लिप में बन रही, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप में। हेलो गाइस, तो अभी आंसू के घर से कॉल आ गया था और मैं नहा ही रहा था तो उसका कॉल आया था, तो अभी जा रहे हैं उसके घर और देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या होगा आज। चूड़ा दही का दिन है, तिलकुट का और लाई का दिन है, तो यही होगा। तो फिर जाते हैं उसके घर पे, कॉल किया था कि आइए जल्दी, जा रहे फिर देखते हैं क्या है, और चलिए फिर मिलते हैं वहीं पर आपसे। फाइनली अभी आंसू के छत पर आ गए हैं और ये देखिए उसका छत, और अभी थोड़ी देर में मतलब वो सब लाने गया, सामान नीचे गया है वो, अभी आ रहा था, फिर उसे मिलवाते हैं आपको। हेलो गाइज, तो हमारा दही चूड़ा खाने के बाद हमने सोचा कि चलते हैं आज यहाँ पे बगल में नदी किनारे एक मठिया है, हमारे बंगाली बाबा के नाम से प्रसिद्ध मठिया है, तो हमने सोचा कि वहाँ चल के घूमते हैं और घूम के दिखाते हैं आपको कि मठिया कैसा है और कौन कौन से भगवान का वहाँ पे मंदिर है और कौन कैसे कैसे लोग यहाँ आते हैं, कैसा मठिया है, चलिए आपको दिखाते हैं। और कैसा गंगा नदी हमारे पास है, गंगा नदी बिल्कुल सूख गई है, मतलब उनका बिल्कुल जगह ही पलट गया है, दूसरे साइड में उनका जगह चला गया है, चलिए फिर दिखाते हैं आपको और इन्जॉय करिए वीडियो को। हेलो गाइस, तो हम यहाँ पे मठिया पे पहुँच गए हैं, मठिया मतलब हमारे नदी के किनारे एक ऐसा मंदिर है, ये देखिए ये पीछे बंगाली बाबा का मठिया का मंदिर है, और धूप इतना ज़्यादा है कि बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ। और ये देखिए ये नदी, अभी आज मकर संक्रांति है इसलिए इतना सारा लोग नहाते हुए दिख रहे हैं, और ये पीछे नदी, और ये देखिए बालू का यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बालू का ट्रांसपोर्ट होता है, ये देखिए कितना सारा नाव, ये दूर तक जितना दूर तक आपको दिख जाता है बिल्कुल नाव ही नाव दिखाई देगा आपको, इतना ज़्यादा नाव। अभी बालू बंद है वैसे तो नाव चल नहीं रहा है, इधर देखिए उधर के बाद ये इधर, इधर भी जहाँ तक देख सकते हैं वहाँ तक नदी है, यहाँ बिल्कुल बीच में सिर्फ नदी नहीं है क्योंकि यहाँ पे मठिया है। और शायद मेरा फेस बिल्कुल आपको दिख नहीं रहा क्योंकि धूप ज़्यादा इतना ज़्यादा है ना कि क्या बताएं। और फिर वहाँ ये जो ब्रिज दिखाई देगा आपको, एक वो देखिए सामने एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो ब्रिज का नाम है आरा छपरा ब्रिज, जो कि छपरा से आरा को जोड़ता है। और चलिए फिर मंदिर के अंदर में आपको मंदिर घुमाते हैं और दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है हमारा और मंदिर के अंदर क्या क्या है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Fly, speed ahead. Fly from the end. So I'm full speed ahead. Full speed.
staring at the sun in my eyes. I've been keeping on the run every night. ये मठिया के अंदर का कैंपस है। यहाँ पे जो भी लोग बाहर से पंडित या जो भी महाराज लोग आते हैं, लोग वो यहाँ पे रहते हैं। और इस प्लेस पे जब भी यज्ञ वगैरह होता है या अष्टयाम होता है तो यहाँ पे होता है। और ये सब वो कैंपस है, जब भी यहाँ पे यज्ञ होता है तो भंडारा जो होता है उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था करने के लिए सब रूम बनाए गए हैं। और ये जो अंदर में ये जो बंगाली बाबा का स्थान है, ये देखिए अंदर में वो बंगाली बाबा जिनके नाम से ये मठिया आज भी प्रसिद्ध है। चलो फिर मिलते हैं, मठिया कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर। मिलते हैं फिर वापसी बाद में। हेलो गाइस, तो अभी रात हो गया है और हम लोगों ने डिनर भी कर लिया है। आज प्रसाद घर पे पूजा तो हुआ नहीं था, तो आसपास से प्रसाद आया था, वो प्रसाद ही डिनर किया। और वीडियो एडिट करेंगे अब सुबह जो जो हुआ था। आज कुछ खास दिन रहा नहीं था क्योंकि घर में पूजा होता तो ज़्यादा हैक्टिक दिन होता, लेकिन आज ज़्यादा मतलब घर में पूजा हुआ नहीं, इसलिए आज का दिन कुछ खास नहीं था। हम लोगों ने दूसरे के घर में मतलब आशु के घर गए थे और वहाँ जाके सेलिब्रेट किया आज का दिन। और आज इंडियन डे था तो हम लोगों ने एक साथ मिल के इंडियन डे को भी सेलिब्रेट किया, लेकिन उसका क्लिप हम नहीं ले पाए क्योंकि हमारा फ़ोन डिस्चार्ज था, मेरा फ़ोन घर पर ही छूट गया था, तो इसलिए वो उसका क्लिप नहीं ले पाए। लेकिन हम लोगों ने अपने देश के वीर सपूतों को याद किया और उनकी वीर गाथाएं अपने में दोस्तों के साथ मिलके उनके बारे में चर्चा की और आज का आर्मी डे को सेलिब्रेट किया। और चूंकि हम लोगों को अपने देश के वीर जवानों को सलाम करना चाहिए और सलाम करते भी हैं, और हमारे देश के वीर जवान उस काबिल भी हैं कि हम लोग उनको सलाम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। तो आज का दिन बहुत ही मतलब कहने का तो जैसे आज आर्मी डे था तो आज दिन बहुत प्यारा था, और साथ में मकर संक्रांति भी था तो मकर संक्रांति भी सेलिब्रेट किए। और कुछ खास था नहीं, फिर गए थे बगल में नदी किनारे मठिया पे, बंगाली बा के मठिया पे, वहाँ का आपको वीडियो शूट दिखाए तो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आप लोगों से एक छोटी सी शिकायत है, आप लोगों में से 20-30% लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को देखें, अगर पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में मेरी कमी बताइए ताकि मैं उसको आगे वाले वीडियो में इंप्रूव करूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। Time is barely on our side. तो हाँ, मैंने वीडियो में दिखाया था ना वो नदी के किनारे बहुत सारा नाव लगा हुआ, वो हमारे यहाँ बालू का ट्रांसपोर्ट होता है एक्चुअली। और बालू सोन में से निकल के आती है और यहाँ पे गिरती है, जिसके यहाँ से अलग अलग जगहों पे ट्रांसपोर्ट होता है और पूरे बिहार में यहाँ से बालू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसलिए उतने सारे नाव लगे हुए थे। वो बहुत ही प्यारा स्पॉट है, कभी आइएगा तो वहाँ ज़रूर घूमिएगा। और आरा छपरा ब्रिज भी मैंने दिखाया और नदी के किनारे मैंने दिखाया कि पानी बहुत कम हो गया है, हम लोगों को ऐसा करना चाहिए कि पानी हमारा बचा हुआ रह जाए, मतलब गंगा जो बहुत दूर हमसे भागती जा रही है उनको अपने पास संरक्षित रखना होगा, उनको अपने पास रिजर्व रखना होगा, क्योंकि ऐसे कुछ हमारे से गलती हो जाती है जिसके कारण वो हमारे दूर हमसे दूर चली जा रही है। तो हमें अपने गंगा को स्वच्छ और साफ बनाना होगा ताकि वो हमारे पास बनी रहे, और ऐसे ही हमारे मतलब क्योंकि पानी और गंगा रहते हैं तभी तो हम बहुत सारा कुछ काम उससे निकाल पाते हैं, उसमें हम स्नान करने जाते हैं, उसमें हम ऐसे ऐसे पर्व त्यौहार मनाते हैं, तभी हमारे गंगा मतलब गंगा माँ की पूजा करते हैं, और पूजा भी करते हैं उनके में कचरा भी डालते हैं, ये बहुत गलत आदत है बहुत लोगों का, तो वैसा नहीं करेंगे और गंगा माता को स्वच्छ बनाएंगे, जैसे कि हमारी सरकार भी उसके आगे लगी हुई है।